हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, तो कैसे हो आप सब। तो मेरा नाम हिमांशु वर्मा है, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ठीक है, तो यार अभी अभी मोबाइल काम नहीं कर रही थी, ठीक है, तो अभी जस्ट काम करने लगी है। ठीक है, तो यार अभी ये मैंने नया शर्ट पहना, वही वाला शर्ट, पीला वाला शर्ट पहने। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे। ठीक है, पतंग उड़ा रहे थे, उससे पहले क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो शाम का वक्त हो गया है। ठीक है, तो हम लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो गाइस आज क्या है, आज बहुत बढ़िया दिन है। ऐसा हर ब्लॉग में नहीं कह सकते, लेकिन एवरी डे इज वेरी नाइस एंड वेरी फैंटास्टिक डे इफ यू बिलीव देम। ठीक है, अगर आप विश्वास करते हैं तो आपका हर दिन अच्छा होता है। ठीक है, तो यार देखो आज 1 दिसंबर है। ठीक है, दिसंबर का पहला ब्लॉग है। ठीक है, हम शाम हो गई है, हम लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यार इधर अपना क्या है, इधर अपना वाइट बोर्ड वोर्ड है। ठीक है, तो अभी अभी हम लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इधर देखो यार, ये भाई साहब येल्लो का, ठीक है, इतना फार्म उनको ऑनलाइन करना है। ठीक है, इन लोग का वोटर आईडी बनाना है, समझ लियो। ठीक है, हमारे पिताजी येल्लो है। ठीक है, तो हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, इधर सोफा उपाय अपना अलमारी है। ठीक है, इधर अभी मोबाइल चार्जिंग पे लगाए थे। ठीक है, इधर किचन है अपना, मम्मी बर्तन मांज रही है। ठीक है, तो चलो यार, तो चलो हम लोग चल रहे हैं। इधर आ रहा रोरो और हीरो। ठीक है, रोरो और हीरो का कार्टून आ रहा है, जो कि भाई साहब देख रहे हैं इधर बैठ के, और क्या खा रहे हैं, चूरा चूरा और खा रहे हैं जेली। एक मिनट, चूरा दिखा सकते हैं भाई साहब, कैसा चूरा होता है पता नहीं यार, हम लोग शहर में रहते हो भाई साहब, चूरा वूरा देखो भाई साहब, जो धान होता है ना, वही धान दरा कर लेकर आए थे, मतलब चूरा कुटा कर लेकर आए थे हमारे पिताजी, वही है। ठीक है, उसके साथ बेली है, बेली शुगर केन गन्ने का, गन्ने का बनता है। ठीक है, इसको पकाते उकाते हैं, फिर बनाते बनाते हैं। तुम लोग आ जाओ पढ़ो, अभी हम लोग गा रहे हैं। ठीक है, तो सब लोग बच्चों आ रहे हैं, बच्चे जो आ रहे हैं। ठीक है, अंतरिया आ रही है, अभी लाडली रहेगी, सृष्टि लाडली रहेगी, जिसे उसका नाम सृष्टि है। ठीक है, मेरी बहन है, और लाला हो जाएंगे, तो बहुत सारे बच्चे, ठीक है, यहाँ आकर पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ, ठीक है, जैसा कि 3-4 दिन से 5-6 दिन से बहुत दिन से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यार इधर अपना बाथरूम है। ठीक है, ये वाला काम नहीं कर रहा भाई साहब, इधर से बच्चे तोड़ दिए हैं। ठीक है, इधर से ये टूट गया है। ठीक है, तो जब खरीद कर आएगा तब नया लगेगा। ठीक है, तो इधर अपनी साइकिल है, उधर अपनी गाड़ी है। ठीक है, इधर अपनी गाड़ी, इधर गाड़ी है। ठीक है, स्कूटी है। ठीक है, हमारे पिताजी हीरो होंडा लेकर गए हैं। ठीक है, कहाँ गए हैं, मार्केट गए हैं। ठीक है, तो हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो आज का दिन काफ़ी अच्छा है। ठीक है, बारिश वारिश नहीं हुई थी, लेकिन कोहरा पड़ रहा है। ठीक है, तो चलो ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। तो इधर एक कुत्ता बहुत ध्यान से देख रहा भाई साहब, पता नहीं क्या है, क्या चाहता है। तो इधर आलू का खेत है। ठीक है, आ रहे हैं, आ रहे हैं, बस आ रहे हैं, तुम लोग पढ़ाई करो। ठीक है, तो यार वो लोग बुला रहे हैं, तो पढ़ाई भी कर लेंगे। आई एम जस्ट कमिंग, वेट फॉर मी 2 मिनट। तो इधर अपना, ठीक है, आवत ही आवत ही, चटाई निकाल लो ना, वहीं पर है चटाई। तो यार हमको चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर ठंडी का मौसम है। ठीक है, लाइट वाइट आया है। ठीक है, और देख लिया घर पर कोई नहीं है, समझ लो, तो इसलिए बुला रहे हैं। ठीक है, उधर जो भाई थे, भाई साहब भाई पढ़ाए पढ़ाते उड़ाते नहीं। ठीक है, कहते हैं चलो जाओ, ऐसे हमारे पास टाइम खुद नहीं है, हम तुमको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ऐसा भाई का सिद्धांत है, कहा है कि अभी यार वो 11th में पढ़ाई कर रहे हैं ना। ठीक है, तो इसलिए। ठीक है, तो इधर अपना चरा उना खेत है, इधर हम लोग बाग में आए थे। ठीक है, तो हम लोग उधर चले क्या,
याद रहने दे। तो देखो यार बहुत ज़्यादा कोहरा है, ठीक है, यहाँ तुमको बता दे रहा, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोहरा है, ठीक है, कोहरा पड़ना स्टार्ट हो गया है और जौनपुर ज़िला में लाइट आई है, ठीक है, और यहाँ पर भी आई है, बट कोई गल नहीं, अब हम लोग एक क्या बोलते हैं, एक चैनल खोलने वाले हैं जिसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, एक ग्रेजी एक्स वाई जेड जो अमित भाई हैं उनकी तरह, ठीक है, और जो मिस्टर इंडियन हैकर है ना उनकी तरह, ठीक है, उनकी तरह भाई साहब एक्सपेरिमेंट कर करके बनाएंगे। और भी बहुत सारी यूट्यूब पर बहुत सारे हैं ना, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे क्रिएटर का हैं जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, और जानना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग अगर सोडियम को ले रहे हैं, ठीक है, सोडियम का टुकड़ा लेंगे, सोडियम कैसा है, सॉफ्ट मेटल है, ठीक है, धातु जो सॉफ्ट है, ठीक है, अब उसको काटेंगे चाकू, ठीक है, सॉफ्ट रहेगा भाई साहब कट जाएगा, ठीक है, अब काटने के बाद क्या करते हैं, बहुत रिएक्टिव एजेंट होता है, बहुत हाईली रिएक्टिव एजेंट होता है ना, सोडियम किस में आता है, एल्कली अर्थ मेटल नहीं, एल्कली मेटल में ना, एल्कलाइन मेटल है, हाँ एल्कलाइन मेटल में ना, जो है लीना की रब से फरियाद, ठीक है, तो हाइड्रोजन सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंसियम, ठीक है, उसी में आता है लीना, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम है, ठीक है, और इधर बेरिलियम से आ जाता है, ठीक है, केमिस्ट्री में भाई साहब, ठीक है, पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, तो उसका ट्रिक बनाए हैं, जाकर देखो यार बढ़िया है, ठीक है, तो हम लोग उसका भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, तो उसको हम लाए थे एक दिन, हमारे टीचर करवा रहे थे उसका एक्सपेरिमेंट, अगर सोडियम को हम पानी में डालते हैं तो क्या करेगा, आग बना लेगा, ठीक है, आग एकदम फेंकेगा धुएं, पहले शुरू शुरू किए थे तो धुआं दे रहा था, फिर बाद में आग चिंगारी निकाल दिया था, ठीक है, तो हम कर चुके थे बीएससी में, ठीक है, तो हमारे टीचर थे, बहुत अच्छे टीचर थे, उमेश पाल नाम था उनका, ठीक है, तो पढ़ा रहे थे और बता भी रहे थे, बहुत बढ़िया था, ठीक है, तो हम बी एस सी में थे, ठीक है, अब जितने भी बी एस सी वाले थे ना हमारे साथ, जितने भी स्टूडेंट थे, अब उन लोग की शादी हो गई है, ठीक है, अधिकतर लोगों की हाँ हो गई है, ठीक है, और दो तीन लोग हैं भाई साहब जिनकी नहीं हुई है, तो यार देखो जैसे जैसे तुम बड़े बड़े क्लासे में होते जाओगे ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, ठीक है, उसी के हिसाब से ना तुम्हारे क्या बोलते हैं दोस्त कम होते जाते हैं, ठीक है, कम होते जाते हैं का मतलब जानते हो, जैसे कि तुम्हारे एक में एक एक से लेकर पाँच तक तुम्हारे मित्र समान रहेंगे, ठीक है, अब तुम्हारा छः से क्या होगा, कुछ नए आएंगे, ठीक है, अगर तुम उसी क्लास में रहोगे तो कुछ नए दोस्त मिलेंगे, ठीक है, अगर कहीं दूसरे जगह नाम लिखा लिए तो भाई साहब इधर कुछ है मेरे को लग रहा, नहीं कुछ नहीं लगाऊँ भाई, निकल ले धीरे से, बहुत शाम के वक्त ब्लॉगिंग करना बहुत एकदम खतरे से खाली नहीं है, ठीक है, रहते हैं यहाँ, ऐसा मजाक नहीं है, यहाँ पर रहते हैं बहुत बड़ा बड़ा रहते हैं, दो तीन ठे रहते हैं, फिर भी जान के जोखिम लेकर हम यहाँ पर आ गए, ठीक है, तुम कह रहे थे जैसे कि तुम छः से कहीं दूसरी जगह नाम लिखा लिए तो नए मित्र बने, ठीक है, अब छः से आठ तक तुमने पढ़ा, ठीक है, अब नाइन से कहीं दूसरे जगह लिखा लिए भाई साहब, नाइन्थ टेंथ से तुमने कहीं और पढ़ा, फिर उसके बाद इलेवेंथ में तुमने कहीं और पढ़ा, ठीक है, तो ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ होता है ना, फिर उसके बाद बीएससी आप करने लगेंगे उसमें भी कैटेगरी वाइज बढ़ जाएंगे, फिर आपके कुछ दोस्त इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहेंगे, कुछ और लाइन में जाना चाहेंगे, ठीक है, ये कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग बीकॉम करेंगे, ठीक है, तो इसी हिसाब से कैटेगरी वाइज डिवाइड हो जाएगा, फिर उसके बाद भी डिवाइड होगा, ठीक है, तुम्हारे मित्र फिर हो सकता है बीए या बीएससी की बात क्या करें, टीचिंग लाइन में जाना चाह रहे हैं, बीटीसी कर लें, उधर से कैटेगरी बनी आई अलग 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 अलग, ठीक है, और कुछ लोग बीएड करना चाहें, ठीक है, और कुछ लोग एमएससी करना चाहें या फिर एमकॉम करना चाहें या फिर क्या एमए करना चाहें, ठीक है, तो ऐसे दोस्त बनते जाते हैं, आते जाते रहते हैं, ठीक है, तो इससे हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हम लोग को पढ़ाई से मतलब रखना चाहिए, ठीक है, तो बी कॉन्सेंट्रेट होकर हमको पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है, पढ़ाई करते वक्त प्रेजेंस ऑफ माइंड पढ़ाई पर होना चाहिए, ना कि किसी और जगह, ठीक है, तो हम लोग अपने घर आ गए बात करते करते, ठीक है, तो इधर अपना प्यारा सा खूबसूरत सा घर है, ठीक है, इधर
इधर सब लोग पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब हम भी आ रहे हैं, ठीक है। हम भी पढ़ाई इनके साथ करेंगे, ठीक है। और कुछ बताएंगे बढ़िया चीज़, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा उसके बाद भाई, ओपन द डोर, खुल जा सिम सिम ब्रदर। पढ़ाई के लिए नो कॉम्प्रोमाइज, पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। क्या हुआ? नहीं पापा भी नहीं आए, आ रहे होंगे। तो आज का प्यारा सा खूबसूरत सा ब्लॉग वीडियो हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं यार। क्या है कि हमको भी जाना है पढ़ाई करने और पढ़ाना है जाना है, ठीक है। बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है। बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं, ठीक है, ऐसा जानते हो, ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड पर भी बहुत जल्द हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। उसका वीडियो लेक्चर जल्दी हम अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। साथ में अपना भी पढ़ाई पर फोकस रहना चाहिए, ठीक है। अपने सिलेबस से भटकना नहीं चाहिए हम लोग को, ठीक है। हमको क्या करना है, पीएचडी करना है, तो चलो पीएचडी पे करेंगे, ठीक है। ऐसे कैसे पीएचडी करोगे, तुम तो एक्सपेरिमेंट भी करते हो, तुम तो खेलते भी हो, तुम तो और भी कुछ करते हो। अरे कुछ नहीं यार, ठीक है। जब मन में सच्चा विश्वास हो ना, कुछ ठान लो ना, कुछ भी संभव है, ठीक है। हो सकता है कुछ क्या बने अब भी जाने, ठीक है। तो बोलते हैं ना, होगा वही जो राम रघु रचा, ऐसे कुछ है ना, तो वही होता है, ठीक है। जो भगवान श्री राम चाहते हैं या फिर जो भगवान चाहते हैं वही होता है, ठीक है। हम लोग ये खिड़की बंद कर दे रहे हैं, ठीक है। खिड़की बंद करने के बाद भाई साहब ब्लॉगिंग बंद कर रहे हैं, ठीक है। तो टाटा, हम ब्लॉगिंग अब कल करेंगे, ठीक है। तो यार हम जा रहे हैं, हम मोबाइल चार्जिंग लगाए हैं, ठीक है। टाटा।